बताओ, मैं एक न्यायाधीश हूं, इसको इंग्लिश न्यायाधीश हूँ। या जज हूं। आई जज, आई एम अ एम जज, JUDGE। अच्छा, मैं एक वकील हूं, इसको कैसे बोलेंगे? वकील हूं, आई एम अ लायर, है ना? लवर नहीं, क्लियर है? आई एम अ लायर, LAWYER। अच्छा, एक और है, एक तरीका और है इसको बोलने का, आप बताओ बेटा। या आई एम एन एडवोकेट, क्या होगी? एडवोकेट, स्पेलिंग ADVOCATE। क्लियर है? चलो अब बताओ, मेरी माँ एक गृहिणी है, इसको क्या बोलेंगे? माई मदर इज अ हाउस वाइफ, या माई मदर इज अ होम मेकर। मेकर। क्लियर है? अब बता दो, वह एक व्यावसायिक है, बिजनेसमैन है? नहीं, आई एम नहीं, वह की बात की है ना, तो ही इज अ बिजनेसमैन। अब बता दो, वह एक लड़का है? बॉय। ही इज अ बॉय। वह एक लड़की है? शी इज अ गर्ल। गुड। सी इज अ गर्ल। वह एक आदमी है? ही इज अ मैन। ही इज अ मैन। वह एक औरत है? शी इज अ वुमन। सी इज अ वुमेन। क्लियर है? अच्छा, आप बता दो, यूनिवर्सिटी, एन यूनिवर्सिटी होगा या आ यूनिवर्सिटी होगा? यूनिवर्सिटी के पहले ए लगेगा कि एन लगेगा, क्या लगेगा बोलो? यूनिवर्सिटी, अब बताओ बेटा। आ लगेगा, है ना? क्यों? क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड है। अच्छा, ऑनेस्ट मैन के पहले एन लगेगा या जो है ए लगेगा? ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन होगा या आ ऑनेस्ट मैन होगा? एन ऑनेस्ट मैन होगा, क्योंकि वॉवेल साउंड है। अभी ये क्लियर है ना? अच्छा, ए एप्पल होगा कि एन एप्पल होगा, क्या होगा? एन एप्पल होगा, क्या होगा? एन एप्पल, क्योंकि एप्पल है ना, वॉवेल साउंड है ना। अच्छा चलो, एक और बता दो, लास्ट, एन यूनिट होगा या आई यूनिट होगा? आई यूनिट होगा। चलो, गुड, ओके।